मैडम मैडम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अपने को मिल ही नहीं रहा भाई, इधर सीधा विजुअल के लिए खड़ा कर देना। ये करो आने तो मैडम का माइक भी डालो डालो। अच्छी सांड की आग मींस बुलजाई, जो हमारी पिक्चर से बहुत मिलता है, क्योंकि हमारी पिक्चर इज़ अबाउट शूटिंग और बुलजाई से बेटर टाइटल, सांड की आग से बेटर टाइटल मिल ही नहीं सकता था हमको। एंड वी रियली लाइक द वे सांड की आग साउंड्स, तो इसलिए हमने सांड की आग टाइटल, हमारे डायलॉग में आता था, हमारे डायलॉग राइटर ने सांड की आग में लिखा था डायलॉग, जगदीप करके, उनसे मुझे टाइटल मेरा डायलॉग में था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वर्ड सांड की आग बुलजाई, इसलिए हमने वो टाइटल रखा। बहुत अच्छा रहा यार, सबके साथ काम करके इतना मज़ा आया, पता ही नहीं चला कि 70 दिन हमने कंटिन्यू शूटिंग किया, पर पता ही नहीं चला कि 70 दिन कब खत्म हो गए। इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तापसी भूमि दोनों इतने अच्छे एक्ट्रेसेस हैं, हमेशा एक तापसी बोलती रहती है आई एम लिमिटेड एक्ट्रेस, पर जैसा कैमरा चालू हो जाता है अनलिमिटेड है वो, तो कुछ लिमिट ही नहीं है उसका, पूरा एकदम बिंदास हो जाती है। सेम भूमि बोलती है, रोज बोलेगी कैमरा के पहले आई एम वेरी नर्वस आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, और जैसा ऑन एक्शन होता है पूरा टेक ऐसा देती है जैसा कुछ पता ही, मतलब आउटस्टैंडिंग है। बहुत इतना मज़ा आया सब, मुझे प्रकाश जी से बहुत मज़ा आया, बहुत लोग ने मुझे डराया था कि प्रकाश जी बहुत स्ट्रिक्ट है ये है, पर उनके जैसा जेंटलमैन आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, इतना मज़ा आया उनसे काम करने। इनफैक्ट वो डायरेक्टर है इतने बड़े, काफ़ी कुछ सीखने भी मिला मुझे जब मैं डायरेक्ट कर रहा था उनको, बहुत मज़ा आया। विनीत के साथ भी इतने अच्छे एक्टर है, इनफैक्ट ऑल द एक्टर्स हमने जो किए काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टिंग कास्ट किया है, कास्टिंग बहुत अच्छा किया था गौतम ने, गौतम का कास्टिंग इतना अच्छा कि काफ़ी नए लोगों को लिया, पर इतना मज़ा आया सबका काम करने, स्पेशली डायलेक्ट, इतना डायलेक्ट जो था हमारा, बहुत मज़ा आया काम करने में। क्या समझना है यार, ग्रैंड मस्ती भी एक पिक्चर है ऑन इट्स ओन, कमर्शियल पिक्चर है, ये भी मैंने कमर्शियली बनाया है। सांड की आग अगर ही कमर्शियल फिल्म, जब आप लोग देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कमर्शियल पिक्चर है। आज जैसा आप बोल रहे टाइटल अलग है, कमर्शियल टाइटल है सांड की आग, नॉट ऑल पैन इंडिया अक्रॉस, सबको बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चों को मज़ा आ रहा है, सो इट्स अ कमर्शियल, हमने पूरा कमर्शियल पिक्चर बनाया है। मैं हमेशा कमर्शियल फिल्म ही लिखता आया हूँ और कमर्शियल फिल्म ही बनाऊंगा, तो ये भी कमर्शियल फिल्म ही है सब कुछ। हाँ रियलिस्टिक है बिकॉज इट्स अ बायोपिक, बट द वे वी हैव ट्रीटेड दिस फिल्म वी मेड इट लाइक फुल कमर्शियल फिल्म, वेदर इट्स म्यूजिक कास्टिंग डायलॉग्स एवरीथिंग इज कमर्शियल अबाउट दिस फिल्म। यार मैं इस इंडस्ट्री में सब एक्टर्स के पास गया इस रोल के लिए, बट ये आई ऑलवेज वॉन्ट टू से दैट ओनली तापसी एंड भूमि हैड द बॉल्स टू डू दिस फिल्म, दे आर द ओनली टू हीरोइंस हु हैड द गट्स टू डू दिस फिल्म एंड द ओनली टू वुमेन विद बॉल्स टू डू दिस फिल्म, दे आर द टू गर्ल्स हु सेड यस इमीडिएटली व्हेन दे हर्ड द स्क्रिप्ट। ऐसा कोई किसी ने मुझे ना नहीं बोला स्क्रिप्ट सुन के, सबको अच्छा लगा था, बट ऑब्वियसली बिकॉज बुड्ढा बनना इज नॉट ईजी, देयर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दे हैव पुट इन मेकअप एवरी डे 3 आवर्स, डायलैक्ट शूटिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स वो पुट इन टू दिस फिल्म, सो सब ने, ये दोनों लड़की ने इंस्टेंटली हाँ बोला एंड आई एम सो लकी, इससे बेटर कॉम्बिनेशन मुझे मिल ही नहीं सकता। थैंक यू लेडी रोलिंग ओके। आप लोग मेरे को पूछ रहे थे हीरोइन कौन है, हीरो सबसे बड़ा हीरो ये है मेरा बच्चा काम, मेरा कैमरामैन सुधाकर रेड्डी, ये आदमी अगर नहीं होता ये पिक्चर नहीं बनता, ये सबसे बड़ा हीरो हमारे पिक्चर का ये है मिस्टर सुधाकर रेड्डी, आई लव हिम, ये आपने पिक्चर बनाया 50 दिन में बहुत बढ़िया काम किया, थैंक यू सर, चीयर्स चीयर्स चीयर्स।
एक सेकंड दूर हो जाओ मतलब मुझे भी ये सुनने में आया कि ऐसा जो अपेरेंटली जो एक्टर्स ज़्यादा इस एज के करीब थे उन लोगों को नहीं करना था तो मतलब ये मुझे अभी पता चला जब ये बात उठी कि सेम एज के लोगों ने क्यों नहीं किया, यंगर लड़कियों को क्यों लेना था। मेरा तो आर्गुमेंट ये था कि आप लोग मुझसे तब तो नहीं पूछा जब आपने मैं 30 साल की हूँ और मैं कॉलेज का कैरेक्टर करती हूँ, तब तो नहीं पूछता कोई कि आप कॉलेज के बच्चों को क्यों नहीं लेते कॉलेज का रोल करने के लिए, बड़े लोगों को क्यों लेते हैं। 50-50 साल की उम्र में लोग कॉलेज का रोल करते हैं तब तो सब ठीक रहता है, बट अब अगर कम उम्र के लोग ज़्यादा उम्र के लोगों का रोल करें तो उसमें लोगों को क्यों आपत्ति आती है मुझे समझ में नहीं आता। बट चलो ये इसके लिए मतलब मेरा तो रीज़न ये था, बट आई गॉट टू नो फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स लेटर ऑन दैट एक्चुअली अ लॉट ऑफ अदर एक्ट्रेसेस हु आर क्लोजर टू दैट एज हैड रिफ्यूज टू डू द फिल्म। नहीं मैं तो गई थी ये पिक्चर करने आगे से, मैं तो ढूंढती हुई गई थी कि मुझे एक ऐसी पिक्चर चाहिए जिसके अंदर दो हीरोइनें हों या इस तरह का चैलेंजिंग कुछ रोल हो जो मैंने अभी तक किया ना हो, और ये जब सुनाई मुझे सुनने को मिला तो मैंने तो एक मिनट में हाँ कर दी थी। Whose wedding is it? लग रहा है मुझे अभी है। प्रोड्यूसर हाँ डेब्यू अरे आई थिंक दे हैव रियली स्पॉइल्ड मी। दिस इज नॉट डन दिस इज मीट माय प्रोड्यूसर निधि। वेयर इज द डायरेक्टर आई डोंट नो। हाँ सो या आई मीन हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसलिए पार्टी हो रही है कि वी हैव फाइनली गॉटन डन विद इट हैप्पीली। हम सारे मिलेंगे पिक्चर खत्म होने के बाद क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एक दूसरे के साथ। बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड ये बिल्कुल नहीं थे सेट पे, ये 4 दिन आए पूरे टाइम सेट पे, इनको काफ़ी बार बुलाया गया इनको, ये सेट पे नहीं आए करके पीला ये ऐसा कुछ नहीं है, बट इनको काफ़ी बार बुलाया गया। इन्होंने बिल्कुल प्रोड्यूसर की जो भूमिका थी वो दूर से फ़ोन पे निभाई है और बिल्कुल सेट पे ना आके इन्होंने गेम्स भी करना पड़ता है। हाँ बहुत ज़्यादा काम है इनको, इंडस्ट्री के बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंधों के ऊपर है। अब ये बात करेंगे, ये जब बात करते बाकी कोई और बात नहीं करता। चलो ये है हमने मैडम से भी पूछा कि बहुत सारी फीमेल एक्टर ने इस कैरेक्टर
कैरेक्टर के लिए नहीं, इस रोल के लिए, इस उम्र की है, इस उम्र के लिए। हाँ मैंने किसी को नहीं मनाया है, चार की स्क्रिप्ट ने मनाया इनको, मेरे को तो फोन भी नहीं करना पड़ा। वो हमारे जो ये है, इसका नाम लिखा है तुषार हीरानंदानी, ये और इनके जो राइटर जो हैं उन्होंने जो मिलके जो स्क्रिप्ट लिखी थी और उनका जो नरेशन है उसने सबको मनाया। हाँ। उसने मुझे भी मनाया। ठीक है जय। आप बताइए आपके आपके बुढ़ेपन से रिलेट करते हो। मैं तो मैं तन मेरा ना तन बुढ़ा है ना मन बुढ़ा है। किसने कहा? उम्र कितनी हुई है बताओ अपनी सबको। 50 होने वाला हूँ। हाँ तो बस फिर अब देख लो ना, अभी लगता है बुढ़ा नहीं मैं। आप पे आपको डेडिकेटेड है ये मन तो मेरा मेरा मन या कभी मेरा मन या तो 100 साल का होता है या 2 साल का होता है। चंचल मन है, चंचल मन। मैं तो 2-5 में रहता हूँ या 100 में रहता हूँ। इनका चंचल मन है, चंचल। कितना प्रेशर? यार प्रेशर तो हर चीज पे होता है, मैं तो प्रेशर सुबह से उठते ही आ जाता हूं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस फर्दर कन्वर्सेशन। ये तो रोज प्रेशर होता है, हर चीज पे होता है, मतलब अब क्या बताऊं, हर फिल्म पे, हर काम पे। मैं तो सारा दिन काम करता हूं, रोज काम करता हूं, 26 साल हो गए काम करते करते, मैं तो रुका ही नहीं हूं आज तक। अभी तक काम मिल रहा है आपको, कितना अच्छी बात है, कितने अच्छी बात है। मैं तो हर दिन काम करता हूं 26 साल। अरे चल रहे चल रहे चल रहे बताएंगे, नेटफ्लिक्स वाले बताएंगे, उनके ऊपर है बताना, मेरे हाथ में नहीं है। मैं कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा उनके साथ है, वो बताएंगे। मैं ये बता सकता हूँ ये दिवाली पे आ रही है, ये पहला फेस्टिवल। मैं मेरी फिल्म हमेशा कान फेस्टिवल जाती, इधर उधर फेस्टिवल जाती, पहली फिल्म है जो दिवाली फेस्टिवल पे आई। मेरा पॉलिटिकल व्यू के बारे में जो कहना है मैं खुद ही कहूंगा ट्विटर पे, मैं मीडिया के सामने नहीं कहूंगा। मैम रुकिए 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 रुकिए, एक सेकंड, तो आगे किधर जा रहे हैं? मैम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जी जी जी
वेरी वेरी प्राउड, बहुत बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा काम करती है, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट. Each and everything, all three, four films, whatever, five films she has done. और पांचों की पांचों बहुत अच्छी आई. मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कौन सी को पहला कहूँ कौन सी को दूसरा. समीक्षा मुझे भूमिका में बहुत अमेजिंग लगता है, बट मेरी एक्चुअली एक फेवरेट फिल्म है जो मैं बोलना चाहूँगी, वो है दम लगा के हईशा. मुझे बहुत पसंद आती है उनकी वो मूवी. आई थिंक इट्स अ पीस ऑफ आर्ट एंड यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर फॉर एवरीथिंग दैट शी इज डन. जी नहीं, मैं वकील हूँ. जरूर कभी. हेलो वकील वकील साहब, कैसे हैं आप? जी मैं काम कर रही थी, सो आई हैड अ वर्किंग डे, तो फटाफट चेंज करके देन आई रीच. शेट की बात हो रही थी, इस तरह की फिल्में आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं, इसके पहले दम लगा के देखा, तो क्या कोई डिफरेंस आप देखती हैं? डिफरेंस मतलब मैंने यही देखा है कि मज़ा आता है जब आप इंटरेस्टिंग काम करते हैं, इंटरेस्टिंग किरदार करते हैं. ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. आई थिंक तापसी एंड फॉर मी बोथ, वी हैव नेवर प्लेड, मतलब हम लिटरली डबल आ एज ऐसे किरदार प्ले कर रहे हैं जिन्होंने एक इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी छोड़ी है हिंदुस्तान के लिए. उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है, उन्होंने लिटरली अपने इकोसिस्टम को चेंज किया. तो इस फिल्म में एक बहुत बड़ा चैलेंज था डेफिनेटली, बट आई थिंक चैलेंज से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम रिस्पॉन्सिबली और बहुत प्यार से इन दोनों दादियों की कहानी बता पाए, एंड बहुत मज़ा आया. इट्स वेरी 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 क्लोज टू मी. जी जहन में आता है कि आई होप मेरे डायरेक्टर खुश है हमारी लुक से और हमारे काम से. रोज़ जब मैं तैयार होती थी लिटरली यही रहता था मेरे दिमाग में कि आई होप आज काम अच्छा जाए. बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म है जैसा मैंने पहले भी कहा, तो इस फिल्म में ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ वर्क नहीं हो सकता था. वी बोथ हैड टू गो लाइक बियॉन्ड, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि आज हम दिन में क्या करेंगे, कि सेट पे इतना मजा करते थे हम. तन बुड्ढा हो, मन बुड्ढा नहीं.
क्या क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ सर जवान मतलब ये तो किरदार कर रहे हैं, ये तो कैरेक्टर कर रहे हैं। बॉलीवुड में एक कंपटीशन का भी ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह फिल्में सक्सेस हो रही है उस तरह हर एक आर्टिस्ट को एक दूसरे आर्टिस्ट से जोड़ा जाता रहा है, कंपेयर करता है, तो उस पे किसे आप सबसे ज्यादा यार आई थिंक नहीं आई थिंक कॉम्पिटिशन की बात नहीं है। आजकल हर टाइप के एक्टर के लिए देयर इज अ स्पेस। आज इतना ज़्यादा काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है कि वो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आई थिंक वी ऑल आर सपोर्टिंग ईच अदर्स वर्क और हम सब चाहते हैं कि हमारी फिल्में अच्छा करें, हमारे काम को अप्रिसिएशन मिले। सो आई थिंक जितने भी मेरे कलीग्स हैं दे आर ऑल सो कॉम्पिटेंट एंड ब्रिलियंट दैट आई गेट इंस्पायर्ड व्हेन आई लुक एट देयर वर्क। बम फूटेंगी, बम गोलियां चलेंगी दिवाली। थैंक यू गाइस, थैंक यू।